हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कैसे एलिजा लैम ने एक पैरानॉर्मल गेम खेलने की वजह से उसके साथ एक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुआ था, और आज भी वो केस एक मिस्टीरियस है। और मैंने उस वीडियो में कुछ रियल फुटेज भी मैंने शेयर किया था जो पुलिस के हाथों लगा था इन्वेस्टिगेशन के दौरान। आज मैं उसी का ही सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आखिर ये दी एलिवेटर गेम है क्या, उसे कैसे खेलते हैं और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस गेम को खेलने के लिए। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा कि एलिजा लैम के साथ आखिर में क्या हुआ था, जो एक रियल स्टोरी है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में ज़रूर मैं दे दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। द एलिवेटर गेम सुनने में और इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आज तक जिस किसी ने भी ये एलिवेटर गेम खेला है उनके साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ है, और आज तक वो लोग बहुत पछताया है। एलिवेटर गेम एक पैरानॉर्मल गेम है, या कह सकते एक अर्बन लेजेंड है। इसे खेलने के लिए सबसे पहले आपको एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे मिनिमम 10 फ्लोर हो और उसमें एक एलिवेटर हो। और इस गेम का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो ये है कि आपको ये गेम सिर्फ और सिर्फ रात की 3 बजे ही स्टार्ट करना है, आप उसके पहले नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि अर्बन लेजेंड्स में ये माना जाता है कि जो भी स्पिरिट्स होते हैं, जो भी सुपरनेचुरल पावर्स होते हैं, वो रात की 3 बजे ही बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनका जो पावर होता है और भी पावरफुल होता है। तो इसलिए रात के 3 बजे अगर आप ये गेम खेलते हैं तभी आप सक्सेसफुल होते हो इस गेम को कंप्लीट करने में। तो जैसे कि रात के 3 बजते हैं आपको जो है ये गेम स्टार्ट करना है, और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको चाहिए होगा एक एलिवेटर, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर से ये गेम स्टार्ट करना है, और उसके बाद जो है आपको एलिवेटर का डोर जो है वो आपको बंद करना है। और जैसे ही एलिवेटर का डोर बंद होता है आपको एक साथ इस ऑर्डर में एलिवेटर का जो बटन्स होते हैं आपको प्रेस करना है। सबसे पहले जो है आपको प्रेस करना है नंबर 4, फिर नंबर 2, फिर नंबर 6, फिर नंबर 2, फिर 10th और फिर 5th। इसी ऑर्डर में ही आपको जो है फ्लोर्स के बटन को प्रेस करना है। अगर आपने गलत ऑर्डर में इस बटन्स को प्रेस किया तो आपका जो है वो गेम बंद हो जाएगा, लाइक आप वो गेम आगे नहीं खेल सकते। जैसे आप लास्ट बटन नंबर 5th फ्लोर के बटन को आप प्रेस करते हैं, आपका जो है एलिवेटर स्टार्ट होता है और अब जो है गेम शुरू होता है। हर एक फ्लोर में जाके एलिवेटर का डोर जो है वो ओपन होगा जिस ऑर्डर में आपने एलिवेटर का बटन्स को आपने प्रेस किया था। जैसे ही आप 5th फ्लोर में पहुँचते हैं, 5th फ्लोर के डोर ओपन होते ही एक अननोन लेडी आपके एलिवेटर के अंदर आएगी, और आपको उस दौरान उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं करना है। वो आपके साथ बात करने की कोशिश करेगी, वो आपको पूछेगी कि आप कहाँ जाना चाहते हो, पर आपको उसको रिस्पॉन्स नहीं करना है, आपको उसके आँखों के तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि अर्बन लेजेंड्स में ये माना जाता है कि ये जो लेडी है वो एक स्पिरिट्स है। अगर आपने उसे रिस्पॉन्स किया या अगर आपने उस लेडी की आँखों में देखा तो आपको वो हार्म करे, वो आपको मार भी सकती है। जैसे ही एलिवेटर का डोर बंद होता है आपको तुरंत ही जो है 1st फ्लोर का जो बटन है उसको आपको प्रेस करना है। याद रखिए, आप इस दौरान कोई दूसरा फ्लोर का बटन नहीं दबा सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ 1st फ्लोर का ही बटन जो है आपको प्रेस करना है। और अब जो है मेन गेम जो है स्टार्ट होता है। अगर आप देखते हैं कि एलिवेटर जो है वो 5th फ्लोर से 1st फ्लोर तक आ रहा है, इसका मतलब जो है आप गेम में सक्सेसफुल नहीं हैं, आप ये गेम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आप जैसे ही 1st फ्लोर में पहुंचते आपको तुरंत जो है एलिवेटर से बाहर निकलना है, आपको मुड़ के पीछे नहीं देखना है, और आपको दोबारा मुड़ के ये गेम कभी नहीं खेलना है, इसका मतलब आप सेफ हैं। पर अगर आप देखते हैं कि एलिवेटर जो है वो 5th फ्लोर से 1st फ्लोर के जाने के बजाय वो 5th फ्लोर से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप सक्सेसफुल हैं इस गेम को खेलने में। और अब जब ये एलिवेटर का डोर ओपन होगा आप ऐसी एक दुनिया में स्टेप इन करेंगे, ऐसा एक दुनिया जहाँ से लौटना नामुमकिन है। और अब ये माना जाता है कि अगर एलिवेटर जो है वो
ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होता है, इसका मतलब वो अननोन लेडी अब आपके साथ कुछ भी कर सकती है। आपका बॉडी जो है वो तो एलिवेटर के अंदर रहेगा, पर आपका जो आत्मा है या कह सकते हैं आपका जो स्पिरिट है, वो लेडी अपने साथ वो खुद की दुनिया में लेके जाएगी, जहाँ से लौटना नामुमकिन है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। वो लेडी जो है वो आपको खींच के अपनी दुनिया में लेके जाएगी, आपका स्पिरिट को अपनी दुनिया में लेके जाएगी। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप ऐसे ही रियल स्टोरी और सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नया हॉरर स्टोरी लेके, तब तक के लिए टेक केयर।